NIOS DLED अभ्यर्थी और बिहार शिक्षक बहाली। NIOS DLED अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली में मौके के खिलाफ डबल बेंच की बात शिक्षा विभाग कर रहा है। ऐसे में NCTE ने बड़ा लेटर जारी किया जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि बिहार शिक्षक बहाली में NIOS DLED अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए। ऐसे में आज हम बात करेंगे NIOS DLED अभ्यर्थी आशीष जोशी जी से, जो कि NIOS DLED अभ्यर्थी है और उन्होंने केस भी किया था NIOS DLED अभ्यर्थियों की तरफ से पटना हाई कोर्ट में। अब दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी हों या NIOS DLED अभ्यर्थी हों, कैसे बहाली प्रक्रिया में मौका आगे मिल सकता है, इस संबंध में हमने चर्चा की आशीष जोशी जी से। और आइए हम उनसे वार्ता का अंश आपको सुनवाते हैं। अगली आवाज़ आशीष जोशी जी की। हमारे साथ आशीष जोशी हैं जो NIOS DLED केस में भी पटना हाई कोर्ट में थे और आज जो NCT की तरफ से जवाब आया है और आज के अखबार के माध्यम से जो अभ्यर्थियों को पता चला है, इस संबंध में हम उनसे चर्चा करेंगे। आशीष जी आपका स्वागत है। हाँ सर, धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत। आशीष जी हमें ये बताइए कि जो आज के अखबार ने खबर दी है उसकी सत्यता क्या है और आगे आप लोग इस पर क्या निर्णय ले रहे हैं, कब तक मौका मिलेगा? देखिए सर, आज का जो न्यूज पेपर हो या आपको रेडियो के माध्यम से जो मिला है या आप टेलीविजन पर भी देख रहे हैं, सब जगह अभी न्यूज मिली है, जो NCTE जो है आपको ये कोर्स को मान्य दे रही है, पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया उसको मानने को तैयार है और MHRD में भी बहुत दिनों से इस पर काम चल रहा था। तो देखिए ये चीज तो हम लोगों को लगभग एक महीने पहले से ही पता चल गई थी MHRD के द्वारा कि वहां पर जो है पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और इस पर काम हो रहा है। लेकिन सर इसके पीछे जो है हम लोग कितने दिन से लगे हुए थे वो आपको लगभग 4 से 5 महीने पहले की बात है, जो हम लोग जब हम लोगों ने केस किया था पटना उच्च न्यायालय में तो हम लोग को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हम लोगों ने बिहार सरकार से गुहार लगाई लेकिन वो तो अपना पलड़ा झाड़ लिए और सारी बातें जो है NCTE को लिखकर भेज दिए। लेकिन उसके बाद हम लोग सोचे कि पटना हाईकोर्ट में जब हम लोग का केस हो गया तो उसके अलावा कौन सा रास्ता है, रास्ता कुछ मिल नहीं रहा था। तो उसके बाद मुझे कुछ लोगों से संपर्क हुआ, उन्होंने बताया कि PMO में गृहांश जो है डालने से उसका जो है काफी इफेक्ट होता है और ऐसा वो लोग कर चुके थे, SSC का वो मामला बता रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि 14-15 के समय में आपको उसका जो एज रिलैक्सेशन होता था वो 27 साल का होता था और उसके बाद उन लोगों ने PMO में गृहांश डाला और उसमें ऐसा होता है कि PMO में आपको रिस्पॉन्स जो है हर एक व्यक्ति को मिलता है, हर व्यक्ति को उसमें आपको गृहांश का जो है जवाब निश्चित रूप से मिलता है, वो टाइम आपको 20 से 25 दिन 30 दिन का होता है और यही हुआ उन लोगों के साथ। आपको 15-16 में जो है उनका एज जो है बढ़ा दिया गया, 30 साल कर दिया गया। तो मुझे भी ये बात अच्छी लगी कि अब तो जैसे हम जिन लोगों का पहुंच नहीं होता है तो उनको तो खुद से प्रयास करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता था। तो मैंने इसको खुद से मैटर तैयार किया और मेरे साथ सहयोगी प्रशांत सर मुजफ्फरपुर के थे, वो इसमें काफी योगदान दिए हैं। तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी इसको डलवाया और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, लगभग 10,000-15,000 लोगों ने डाला। तो उसके बाद PMO का उसमें रिस्पॉन्स आ रहा था कि ये घुमा फिरा के उसमें भी जवाब आ रहा था कि NCTE का जो ये फाइल नंबर ये है और इसको मान्यता मिली है NIOS कोर्स को। उसके बाद फिर हम लोगों ने लगातार डालते रहा, 2-3 बार हम लोगों ने कंटिन्यू उसको डाला। फिर क्या हुआ कि जब एक बार आपको RK महाजन ने यहाँ से आपको लेटर के द्वारा वहाँ जवाब पूछा था, फर्स्ट बार की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपको ये कोर्स जो है मान्य है कि नहीं शिक्षक नियोजन में शामिल करने के लिए, तो प्रभु यादव जी जो अंडर सेक्रेटरी हैं उन्होंने उसका जवाब भेजा था कि यह जो कोर्स है वो चाहिए इतना इतना क्राइटेरिया और इसका क्राइटेरिया ये है, एग्जैक्ट पोजीशन जो बताया था। तो वही प्रभु यादव जी इधर की मैं बात बता रहा हूँ, एक महीने पहले से जितने भी गृहांश डाले गए उनको लगा कि हमने ये गलत किया, वो मेरे से मिस्टेक हो गया और वो जो मैंने लेटर भेजा था बिहार सरकार को वो सही नहीं था, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने यह फैसला दे दिया कि यह जो कोर्स है वो आपको अन्य डिप्लोमा की तरह है और 24 महीने के बराबर है और यह कोर्स जो है आपको हर किसी नियोजन में अन्य डिप्लोमा की तरह वैलिड है।
तो उन्होंने ये गलती स्वीकार की। उसके बाद 1 महीने से जितने भी लोग गृहांश डाले थे सबके घर पर प्रभु यादव जी खुद से हैंड सिग्नेचर करके सबको बाय पोस्ट भेज रहे हैं। तो जवाब में साफ साफ लिखा गया था उनके द्वारा कि यह जो कोर्स है वो आपको मान्य है, और पटना उच्च न्यायालय का जो आपको जजमेंट आया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं, उसको आप लोग देखिए, और इसको जो है NIS के वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया गया है। और दूसरी बात रही कि इसमें आपको हम योगदान आपको मनोज झा जो सर हैं राज्यसभा के सदस्य उनका भी रहा है, उन्होंने हमारी बातों को 2 से 3 बार आपको राज्यसभा में उठाया है। एक बार तो विशेष सत्र चली थी आपको शिक्षा विभाग की, उसमें आपको मोदी जी भी मौजूद थे, वो बहुत अच्छा समय था और टाइमिंग इतना बढ़िया था, उसमें उन्होंने हमारी बातों को जोरदार तरीका से रखा है। तो जब कोई अगर सांसद राज्यसभा लोकसभा में इतने जोरदार तरीका से रखता है तो उसका काफी इफेक्ट पड़ता है। तो इससे यह भी प्रभावित हुआ कि आपको मोदी जी का बीच में स्टेटमेंट आया था आपको हिंदुस्तान पेपर में, आज से मैं आपको 2-3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, तो उसमें मोदी जी ने नाराजगी अपनी जताई थी, और आपको शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक है उनको उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस पर काम कीजिए, यह आपको हम लोगों के द्वारा कराया गया था और यह एक वैलिड कोर्स था, तो इस पर अभी तक सवाल क्यों उठ रहे हैं, बीच में हिंदुस्तान पेपर में आया था। तो यह जो आपको काम है सब लोगों का मिला जुला, और जितने लोग इसमें गृहांश डाले हैं उनका योगदान काफी रहा है, जिसका रिजल्ट आज हम लोग के सामने नजर आ रहा है सर। ऐसे में सर ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और आशा करते हैं कि आप लोग का ये मुद्दा बिहार सरकार भी मान ले और जल्दी बहाली प्रक्रिया में आपको मौका दे। ऐसे जी में आगे सर, आपका कदम क्या है सर? सर देखिए NCT से तो आपको मान्य कर दिया गया है, वो तो एक बहाना था, तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमें जजमेंट दे दिया और वहां से हरी झंडी भी मिल गई आपको केंद्र सरकार से। लेकिन अब हमारा जो मामला है वो अड़ा हुआ है आपको बिहार सरकार के ऊपर। अब बिहार सरकार इसको अब ज्यादा दिन तक टाल मटोल नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो मैं आशा करूंगा कि बिहार सरकार जो है हमारे जितने भी शिक्षक भाई बंधु हैं, देश के 14 लाख और बिहार के 2.5 लाख लोग, सबकी आवाज को सुने और जल्द से जल्द इसे शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में शामिल करे। और मैं यह भी बिहार सरकार से गुहार करता हूं कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को जो रोकी गई है उसको पुनः जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, ताकि जितने भी अभ्यर्थी हैं चाहे वो रेगुलर कैंडिडेट हों या आपको NIS के कैंडिडेट हों, किन्हीं को भी परेशान ना होना पड़े और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का मौका नहीं दिया जाए, ताकि ये बहाली ही की गई है कि अभ्यर्थियों को जॉब मिले। क्योंकि अगर जॉब नहीं मिलेगी तो फिर ये आप बहाली क्यों लाए हैं, आप खाली दिखा कर बहाली को रोकवा दीजिएगा, ये कोई तरीका नहीं हुआ। जी सर धन्यवाद आशीष जी, आपने बहुत बड़े मुद्दे से पर्दा उठाया है और हम आशा करते हैं कि अभ्यर्थियों को इससे सही दिशा सही राह मिलेगी। आशीष जोशी आपसे आखिरी सवाल हमारा ये है कि जी इस संबंध में बिहार में जो डोमिसाइल नीति नहीं लागू है इस पर हम एक जनहित याचिका दायर करने जा रहे हैं शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से, उस पर आपका क्या वक्तव्य है? साथ में दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को क्या इसमें मौका मिलेगा? जी सर, मैं इसमें बोलना चाहूंगा, देखिए डोमिसाइल नीति तो है बिहार में लागू होनी चाहिए, जी और ये सब अब सब जितने भी अभ्यर्थी हैं चाहे वो आपको रेगुलर हो या NIS कैंडिडेट हो, सारे लोग इस पर आपको सहमति जता रहे हैं। बस ये है कि लोग अभी कितने अनेक मुद्दों में उलझे हुए हैं, उनके पास अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है सोचने का, तो इसीलिए नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन ये जो है डोमिसाइल नीति बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी अन्य राज्य हैं, बिहार के पड़ोसी राज्य देख लीजिए या कोई भी देश के कोने के राज्य देख लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। सभी जगह आपको कहीं पर है कि 90% तक लागू है, कहीं 95% तक लागू है, लेकिन हर जगह लागू है। अगर हम कहीं अन्य राज्य में जाते हैं तो क्या हमें बेबाक तरीके से शामिल कर लिया जाता है? हमारी क्षमताएं होने के बावजूद भी वहाँ एक फाउंडेशन है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ जब अब जॉब निकली है तो हम लोगों को इस पर पहले अधिकार होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से पहल करते हैं तो ये काफी सराहनीय कदम होगा, और हम लोग भी आपका पुरजोर तरीके से साथ देंगे। और साथ साथ आपने दूसरा सवाल पूछा कि दिसंबर माह के सीटेट पास के बारे में, तो मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि देखिए सबका अपना अधिकार है, अगर वो अपने न्यूनतम अर्हता रखते हैं तो, और अगर ये बहाली चल रही है और बहाली जो है आपको काफी लंबे समय के बाद आती है, तो
तो अगर वो अपनी बातें सरकार तक मना लेते हैं, पहले तो उनको सचिवालय में जाके अपनी बात को रखनी चाहिए, और अगर कोई और रास्ता उनको नजर आएगा, अगर वो नहीं मानते हैं बिहार सरकार, तो उन रास्तों पर भी जाना चाहिए। जी सर, धन्यवाद आशीष जी, आपने बहुत बड़ी बात कही और आशा करते हैं कि जल्द आप लोग को बहाली में मौका मिले। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये थे आशीष जोशी जी, जिनको अभी आपने सुना। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोज़गार हो, यही हमारा नारा है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।